Hello everyone, welcome to our class. Today in this class, I am going to show you International Hindi Olympiad 24-25 syllabus for class 5. In this class, I am going to show the chapter-wise syllabus you have to study for class 5 Olympiad. In the upcoming classes, we are going to practice these syllabus. Chapter-wise syllabus we are going to practice. And this is the book which I am going to refer. See, this is the book. This is the MTG book 24-25 session IHO for class 5. I am going to refer this book for practice. This book you can get at any stationery shop or you can order it online also. I will give the link for the same so you can purchase it. I will be practicing from this book. So see the syllabus. First chapter is Bhasha evam Vyakaran, Varn evam Varnmala, Shabd evam Vakya, Shabd Bhandar, संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण, काल क्रिया एवं कारक, लिंग एवं वचन, अविकारी शब्द, अशुद्धि संशोधन एवं विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, गिनती दिनों एवं महीनों के नाम. नेक्स्ट इज अपठित गद्यांश एवं अपठित पद्यांश. नेक्स्ट चैप्टर विल बी शब्दकोश एवं सामान्य शब्द, भारतीय साहित्य एवं संस्कृति. दीज आर द 14 चैप्टर्स इन टोटल. आपको यही सिलेबस में आपको प्रैक्टिस करने हैं. हिंदी ओलंपियाड के लिए आपको ये सारे चैप्टर्स अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं. अगर मैं आपको सिलेबस की बात करूं तो यही सारा कोर्स हम क्लास में ही भी पढ़ते हैं. जैसा कि हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं उन सब में हमने ये सारा कोर्स कवर किया होता है. बट ओलंपियाड्स के अकॉर्डिंग बिकॉज उसमें MCQ क्वेश्चंस होते हैं तो उसकी हमें प्रैक्टिस अलग से करनी होती है. इसीलिए मैं ये बुक रेफ़र कर रही हूँ. इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा. ये सफिशियंट बुक होती है. इसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे एंड यू विल गेट गुड स्कोर इन योर ओलंपियाड एग्जाम. इसी क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं विच इज़ भाषा एवं व्याकरण. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम ओलंपियाड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो दिस इज़ अ OMR शीट विच इज़ गिवन टू यू. ये एक OMR शीट है. इसको आपको दिया जाता है. इसमें आप सारी अपनी डिटेल्स फिल करते हैं एंड आंसर्स आप फिल इसी में करते हैं. दिस इज़ ओनली द क्वेश्चन पेपर विच विल यू गेट. ये क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके पास रहेगा एंड ये आंसर शीट आप सबमिट करेंगे. सी, इसमें किस तरह से लिखा जाता है. सबसे पहले स्टूडेंट नेम आप यहाँ फिल करेंगे. ओनली इन कैपिटल लेटर्स यू हैव टू फिल योर नेम. देन दिस वन, स्कूल कोड, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, क्वेश्चन पेपर सेट. ये आपको इस तरह से यहाँ पे फिल करना होता है. अगर आप ध्यान से देखें, लेट मी जूम इन. सी, आई होप इट इज़ क्लियर. ये आप देखेंगे यहाँ पर ए बी यहाँ पर ये दिया हुआ है एंड यहाँ पे नंबर्स गिवन है 0 to 9. यहाँ पे नंबर्स गिवन है अकॉर्डिंग टू द स्कूल कोड. जैसा कि आपको स्कूल में बताया जाएगा व्हिच इज़ योर स्कूल कोड, यहाँ पर आप उसको फिल करेंगे. फिल कैसे करते हैं, फर्स्ट जैसे लेट सपोज आपका कोड है, यहाँ पे 2 लेटर्स हैं. लेट सपोज यहाँ पे आपका कोड है HI0123. सी, दिस इज़ द कोड. अगर आपका ये कोड है तो आप यहाँ पे सबसे पहले H को सर्कल करेंगे, नेक्स्ट I एंड देन 0, देन 1, 2 एंड 3. इस तरह से आप इसको सर्कल प्रॉपरली सर्कल करेंगे ताकि किसी भी तरह का गैप इसमें ना रहे. एंड यहाँ पे नेक्स्ट आप यहाँ पे इसको फिल कर देंगे, जैसे HI0123. इस तरह से आपको डिटेल्स फिल करनी होती हैं. एंड सेम इज़ द केस विद योर आंसर. सी, दिस इज़ द मार्क योर आंसर्स. यहाँ पे आप आंसर्स मार्क करेंगे. जैसे लेट सपोज आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मानव डैश के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता है और दूसरों के विचार ग्रहण करता है. सो द आंसर इज, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए भाषा. ठीक है, दैट इज़ घ ऑप्शन. घ वाला ऑप्शन है मेरा आंसर. तो मैं इसमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के सामने घ इसको यहाँ पर इस तरह से सर्कल करूँगी. सो दिस दिस द मार्क योर आंसर. आपको इस तरह से यहाँ पर फिल करना है. ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिए गए विकल्पों में से कौन सा भाषा का मुख्य रूप नहीं है. मुख्य रूप कौन सा नहीं है. इस क्वेश्चंस में जनरली ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ये नहीं, दैट इज़ नेगेटिव में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे. तो नहीं है, कौन सा नहीं है, मौखिक, लिखित, श्रवण या फिर क तथा ख दोनों. इनमें से मौखिक रूप कौन सा नहीं है. यहाँ पर ऑप्शन इसलिए दिया गया है, अगर बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे
भाषा का मुख्य रूप कौन सा है, तो उसमें वो इसको भी टिक कर सकते हैं, घ ऑप्शन, क तथा ख, क्योंकि मौखिक और लिखित ये दोनों ही भाषा के मौखिक रूप हैं। लेकिन इसमें क्योंकि नहीं पूछा है, सो द आंसर विल बी श्रवण, दिस इज नॉट द एनी मुख्य रूप ऑफ भाषा। ओके, नेक्स्ट, सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे डैश कहते हैं। सरकारी कामकाज मीन्स राजभाषा, कौन सी भाषा होती है वो, राजभाषा। नेक्स्ट, संकेतों के माध्यम से समझी जाने वाली भाषा को डैश भाषा कहते हैं। संकेतों से जो समझी जाती है उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जिसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सी, निर्देश यहाँ पे दिया गया है, दिए गए वाक्यों के आधार पर भाषा के रूप का उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, यहाँ पे आपको भाषा के रूप सही चुनने हैं। अध्यापिका कक्षा में कहानी सुनाती हैं, सुनाती, सुना रहे हैं, तो दैट मीन्स ये कौन सा रूप हुआ, मौखिक रूप। राम ने पत्र के माध्यम से राजू को अपनी भावनाएं व्यक्त की। पत्र, पत्र को हम क्या करते हैं, सुनाते हैं या लिखते हैं, लिखते हैं, द आंसर इज लिखित भाषा। इस तरह से क्वेश्चंस आपको प्रॉपरली रीड करने हैं एंड द पेपर विल बी वेरी इजी फॉर यू। नेक्स्ट, दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि ये भाषा का कौन सा रूप है। देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, फ़ोन पर बात कर रहे हैं, सो ये कौन सा रूप हुआ, बात करना मीन्स मौखिक भाषा। चित्र में दिए गए युगल को देखकर इनके राज्य की भाषा चुनिए। ये आपको कौन दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ अटायर इन्होंने कौन सा पहना है, लाइक पंजाबी सरदार हैं, क्योंकि ये पंजाबीज हैं तो पंजाबी भाषा इनकी राज्य भाषा है। राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा, यू कैन से एनीथिंग। कौन से राज्य की मुख्य भाषा हिंदी नहीं है, कौन से राज्य में हिंदी मुख्य भाषा नहीं है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, नागालैंड या बिहार। अब देखेंगे आप, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सब क्या है, यहाँ पर दिल्ली NCR के आसपास लगते हैं, यहाँ पर हिंदी बोली जाती है, बट नागालैंड इज़ डिफरेंट वन, यहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा या भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं, इनमें से कौन सी भाषा की लिपि रोमन है, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच या उपरोक्त सभी, मीन्स ऑल, कौन सी हैं इसमें, सभी भाषाएं, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, ये सारी ही भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, वी ऑल नो, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, रोमन। भाषण देना भाषा का कौन सा रूप है, भाषण देना, बोल कर दे रहे हैं, तो दिस इज मौखिक। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है, संस्कृत भाषा किस में लिखी जाती है, देवनागरी, जैसे कि हिंदी भी देवनागरी में लिखी जाती है। दिए गए वाक्य में उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शेर डैश है, चिंगारता, दहाड़ता, गिड़गिड़ाता, क तथा ख दोनों, चिंगारता, दहाड़ता, नो, चिंगारता ही कोई वर्ड नहीं है, शेर के लिए हम क्या बोलते हैं, शेर क्या करता है, दहाड़ता है। हम डैश के ज्ञान के बिना भाषा का शुद्ध रूप नहीं जान सकते हैं। भाषा का शुद्ध रूप हमें कौन सिखाता है, व्याकरण, भाषा का शुद्ध रूप हमें व्याकरण सिखाती है। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है, गोवा में कौन सी भाषा, मलयालम, बांग्ला, कोंकणी, तेलुगु, गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। दिए गए कथन में उचित विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। व्याकरण के माध्यम से हम भाषा का शुद्ध रूप तथा उसके डैश सीखते हैं। अभी हमने देखा व्याकरण से हम क्या सीखते हैं, शुद्ध रूप सीखते हैं, और उसका क्या सीखते हैं, प्रयोग के नियम, चित्र का ज्ञान, बोली का ज्ञान, इनमें से कोई नहीं। व्याकरण से हम क्या सीखते हैं, शुद्ध रूप तो सीखते ही हैं भाषा का, साथ में उसके प्रयोग के नियम, मीन्स उनको भाषा को, उस भाषा को पर्टिकुलर यूज़ कैसे किया जाता है, वो भी हमें व्याकरण सिखाती है। दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस द्वारा भाषा के कौन से रूप का प्रयोग किया गया है। ट्रैफिक पुलिस है, ये कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, कौन से भाषा के रूप का प्रयोग करते हैं, सांकेतिक भाषा का, क्योंकि ये संकेत देते हैं, मीन्स सिग्नल्स देते हैं, राइट। नेक्स्ट, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी के अलावा कौन सी भाषा बोली जाती है भारत में, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, बांग्ला या उड़िया, ऑप्शन इज बांग्ला। भारत में हिंदी के बाद सबसे पहले हिंदी बोली जाती है, उसके बाद
बांग्ला बोली जाती है। दिए गई भाषाओं में से कौन सी भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है? कन्नड़, मराठी, मणिपुरी, भोजपुरी। द करेक्ट ऑप्शन इज भोजपुरी। भोजपुरी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि उसमें भाषा का शुद्ध रूप प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आपने भोजपुरी कभी सुनी होगी तो आपको पता होगा भोजपुरी में भाषा का शुद्ध रूप नहीं प्रयोग किया जाता है, तो ये मान्यता इसको प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में मौखिक भाषा का प्रयोग हुआ है? यश, नितिन और रमन ने कविता सुनाई, नमन ने लघु कथा लिखी, नेहा पत्र लिख रही है, क तथा ग दोनों। कौन सी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया, मौखिक भाषा का किसमें प्रयोग हुआ है? फर्स्ट क वाले में। यश, नितिन और रमन ने कविता सुनाई। सुनाई से हमें पता चला कि ये मौखिक भाषा है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? किस अनुसूची मीन्स शेड्यूल, जो आर्टिकल्स जैसे बनाते हैं, 22 भाषाओं को संविधान में अनुसूचित किया गया है, वो कौन सी अनुसूची है, कौन सा नंबर है? दैट इज़ नंबर 8। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उर्दू भाषा डैश लिखी जाती है, बाएँ से दाएँ, दाएँ से बाएँ, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। द करेक्ट ऑप्शन इज दाएँ से बाएँ, विच इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जनरली हिंदी जैसे हम लिखते हैं या इंग्लिश हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट इसमें कैसे लिखी जाती है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ऑल राइट, नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि ये कौन सी भाषा है तथा इसकी लिपि क्या है। ये कौन सी भाषा है, आपको भाषा को आइडेंटिफाई करना है। इसमें ये भाषा लिखी गई है उर्दू, और उर्दू की लिपि होती है फारसी। तो ऑप्शन हम रीड करेंगे, अंग्रेज़ी, रोमन, उर्दू, फारसी, संस्कृत, देवनागरी, इनमें से कोई नहीं। ये कौन सी भाषा है, उर्दू भाषा है जिसकी लिपि फारसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन, दी गई भाषाओं का उनकी लिपियों से मिलान कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। ये भाषाएं गिवन है, यहाँ पे लिपियाँ हैं, आपको मैच करना। देखिए इसको हम पढ़ेंगे, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेज़ी, ये सब भाषाएँ गिवन है। यहाँ लिपियाँ देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, फारसी। सबसे पहले आप मैच करेंगे, उसके बाद हम ऑप्शन सर्च करेंगे। उर्दू किस में लिखी जाती है, फारसी में, तो आप इसके आगे अ लिख सकते हैं। हिंदी किस में लिखी जाती है, देवनागरी। पंजाबी, गुरुमुखी। अंग्रेज़ी, रोमन। ओके, अ ब स द, राइट। तो ये है करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें आप देखेंगे कौन सा सही है, आप उस पर टिक करेंगे। सी देखो, अ को इसमें फर्स्ट से मैच किया गया है, अ को फर्स्ट से मैच करा है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अ को इसमें फोर्थ से मैच किया है, अ को फोर्थ से, ये ठीक है। नेक्स्ट और देखेंगे आप, क्योंकि इसमें ऑप्शन आपको सारे चेक करने पड़ेंगे, और भी ऑप्शन में ऐसा हो सकता है। अगर आपको जल्दी करना है, उसकी एक ट्रिक है, तो आप देखिए बाकी ऑप्शन में, अगर आप देखेंगे अ को फर्स्ट से मैच करा है, इसमें अ को सेकेंड से मैच किया है, तो ये तीनों ही ऑप्शंस जो है वो गलत हो जाते हैं। इसलिए सही ऑप्शन यही है इसमें, जल्दी आप आंसर सॉल्व कर सकें, इसीलिए आपको ये ट्रिक है। आप इसमें सबसे पहले मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले उसको खुद से सॉल्व कीजिए, एंड देन आंसर उसमें ढूंढ लीजिए। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, आगे की क्लासेस में हम नेक्स्ट चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।